लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधनों में मची हलचल से नए संकेत उभरे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी बेंगलुरु में कांग्रेस की अगुवाई वाली विपक्ष की बैठक में पहुंचे, लेकिन बयान और ट्वीट ने सस्पेंस बढ़ा दिया है। जयंत के निर्णय से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट राजनीति की दिशा तय होगी। अगर वो भाजपा गठबंधन के साथ आए तो पार्टी में चौधराहट की जंग खत्म होगी। वहीं राजस्थान, हरियाणा और पंजाब तक असर पड़ेगा। विपक्ष में खड़े हुए तो जाट वोटर दो ध्रुवों में बटेंगे। जहां भारी खींचतान होगी, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक अकेले पड़ सकते हैं। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि जयंत एनडीए में शामिल हुए तो मुजफ्फरनगर सांसद डॉक्टर संजीव बालियान, बागपत सांसद डॉक्टर सत्यपाल मलिक की सियासी चुनौती बढ़ेगी। भाजपा की केंद्रीय इकाई मानती है कि किसान आंदोलन से लेकर पहलवानों के मुद्दों को सुलझाने में पार्टी के जाट नेता सफल नहीं रहे, जिसके बाद जयंत को साथ लाने की रणनीति बनी है। ऐसा हुआ तो भाजपा के जाट नेताओं में चौधराहट की जंग नहीं रह जाएगी। वहीं मोदी सरकार के मुखर विरोधी एवं पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी अकेले पड़ जाएंगे। वो जयंत को एनडीए में जाने से रोकने की मुहिम में जुटे हैं। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत और राकेश टिकैत भले ही अराजनैतिक हैं, लेकिन जाट एवं किसान वर्ग में बेहतर पकड़ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल की पकड़ मजबूत है। पिछले दिनों जयंत ने ट्वीट कर चावल की जगह खीर खाने की बात कहते हुए राजनीति सस्पेंस बढ़ाया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जयंत को भाजपा के साथ आने की बात कह चुके हैं, लेकिन हवा का रुख परखते हुए छोटे चौधरी सधी बयानबाजी कर रहे हैं। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।